day. I was with all my mates and it was really fun, and it was even better because all of you guys were there with me. So thank you so much. I really appreciate it, and I'll see you soon. Hopefully I'll have some cool stuff to show you, some Spider-Man stuff, some Uncharted stuff soon. Be cool. But I really... So hello everyone, welcome to Filmopedia. इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ स्पाइडरमैन नो वे होम के ट्रेलर के बारे में। तो स्पाइडरमैन नो वे होम का ट्रेलर 10 जून को आ सकता है, इसके बहुत ही स्ट्रॉन्ग रूमर्स अभी इंटरनेट पे सामने आए हैं। इसके अलावा टॉम हॉलैंड ने भी क्लेम किया है कि स्पाइडरमैन नो वे होम का ट्रेलर काफी जल्द आपको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा इंटरनेट पे कुछ और रूमर्स हैं कि स्पाइडरमैन नो वे होम का ट्रेलर 7 जून को आ सकता है। इस चीज के बारे में भी मैं इस वीडियो में बात करूंगा। सो अगर आपको स्पाइडरमैन नो वे होम के ट्रेलर से रिलेटेड हर एक जानकारी चाहिए तो आप इस वीडियो को देखते रहो। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूले, ताकि जब भी मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाऊं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। विद दैट बीइंग सेड, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं टॉम हॉलैंड के बारे में। सो टॉम हॉलैंड ने कल अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज पे आके अपने फैंस को सारे बर्थडे विशेस के लिए थैंक यू बोला। इसके अलावा उन्होंने ये बोला कि वो जल्दी ही स्पाइडरमैन से रिलेटेड और उनकी आने वाली नई मूवी अनचार्टेड से रिलेटेड कुछ फन स्टफ फैंस के साथ शेयर करेंगे। तो ऐसा हो सकता है कि स्पाइडरमैन नो वे होम का ट्रेलर आपको काफी जल्द टॉम हॉलैंड के इंस्टा हैंडल्स पे देखने को मिल जाए। इसके अलावा ट्विटर पे जॉस थैनोस वेब करके एक आदमी है जो कि स्टाफ राइटर है मार्वल रिपोर्ट पे। इसके अलावा उन्होंने ESPN, NBC और CBS जैसे प्लेटफॉर्म्स में भी काम करके रखा है, और वो ये क्लेम कर रहे हैं कि स्पाइडरमैन नो वे होम का ट्रेलर 10 जून को आने वाला है। इसके अलावा उन्होंने ये भी क्लेम किया है कि अगर ये ट्रेलर 10 जून को नहीं आता है तो वो इस चीज की फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। इसके अलावा वो क्लेम कर रहे हैं कि जिस सोर्स से उन्हें पता चला है कि 10 जून को ट्रेलर आने वाला है, वो सोर्स काफी क्रेडिबल है, और उस सोर्स ने उन्हें बताया था कि JK सिमंस स्पाइडरमैन में वापस आने वाला है। इसके अलावा ये भी बताया था कि स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम में मल्टीवर्स नहीं होने वाला है। तो ऐसा हो सकता है कि स्पाइडरमैन नो वे होम का ट्रेलर आपको 10 जून को फाइनली देखने को मिल जाए। इसके अलावा इंटरनेट पे कुछ और ऐसे रूमर्स हैं कि स्पाइडरमैन नो वे होम का ट्रेलर 7 जून को आ सकता है। मेरे एक सब्सक्राइबर हर्ष ने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके एक वीडियो भेजी थी जहां पर ये दिखाया जा रहा था कि मार्वल एंटरटेनमेंट्स के चैनल पे ये लिखा हुआ है कि ट्रेलर ड्रॉप्स एट जून 7। इसके अलावा एक बड़े यूट्यूबर एवरीथिंग ऑलवेज ने भी इस न्यूज को कवर किया है। तो बेसिकली जो 7 जून वाला रूमर है वो फेक हो सकता है, क्योंकि आप अगर एक वेबसाइट का वीडियो बनाओ या आप उसका स्क्रीनशॉट लो, उस वेबसाइट को आप इंस्पेक्ट करके चेंज कर सकते हो। जिसको थोड़ा सा भी HTML आता होगा वो इस चीज को बहुत ही आराम से कर सकता है, इसलिए 7 जून वाला रूमर उतना क्रेडिबल नहीं है। पर 10 जून वाला रूमर काफी क्रेडिबल है, और हो सकता है कि स्पाइडरमैन नो वे होम का ट्रेलर आपको 10 जून को ही देखने को मिले। बाकी आपको क्या लगता है, स्पाइडरमैन नो वे होम का ट्रेलर कब आएगा? इस बात के बारे में मुझे आप कमेंट्स बताओ। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, और अगर आप मेरे चैनल पर पहले बार आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूले। इसके अलावा स्पाइडरमैन नो वे होम में दिखने वाले हर एक विलन के ऊपर कल मैंने एक वीडियो बनाई थी, आप उस वीडियो को भी जाकर जरूर देखना, लिंक मैं आई बटन पर डाल दूंगा। एंड एज ऑलवेज थैंक्स फॉर वॉचिंग।